बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, फिर क्यों चिंतन की मुद्रा में चली गई? कांग्रेस नेताओं के जोश में बीजेपी की जीत के बाद भी क्यों हुआ इजाफा? वजह जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान। बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी को मिले संकेत, 24 से पहले सब कुछ ठीक करने की मिल गई चुनौती। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत से ये बात साबित हो गई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को उत्तराखंड की जनता ने अपनी मोहर लगा दी। यही वजह है कि धामी सरकार और प्रदेश संगठन की बीजेपी हाईकमान ने पीठ थपथपाई है, जिसके बाद अब पार्टी लोकसभा चुनाव में जुटेगी। इस चुनाव में बागेश्वर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के अब तक के कामकाज पर भी मोहर लगाई, लेकिन इसके जो परिणाम सामने आए उसे देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सियासत के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। बागेश्वर उपचुनाव ने एक तरह से बीजेपी को संकेत दिए, कुछ ऐसा करना होगा जिससे मतदाताओं के मन में उनके लिए कुछ अब की बार जैसा न हो। हालांकि बागेश्वर में चंपावत का रिकॉर्ड तोड़ने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। चंपावत में सीएम 93% वोट लेकर आए थे, जिससे आने वाले समय में बीजेपी जीत के बाद भी इस चुनाव को लेकर मंथन जरूर करेगी। बागेश्वर उपचुनाव में धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे चुनाव की कमान शुरुआत से ही संभाले रखी। इसके साथ ही शुरुआत और प्रचार के दिन अंतिम दिन में सीएम धामी ने भी चुनाव को अपने पक्ष में करने में अहम भूमिका निभाई। संगठन ने बागेश्वर में माइक्रो मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत प्रचार किया। इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने मेहनत की, लेकिन परिणाम को रिकॉर्ड में नहीं बदल पाए। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी पार्वती दास को 33,247 जबकि कांग्रेस के बसंत कुमार को 30,842 वोट मिले। इस तरह भाजपा 2,405 वोट के अंतर से चुनाव जीती। बागेश्वर की जनता ने नोटा का भी जमकर प्रयोग किया, 1,257 लोगों ने नोटा दबाया। भाजपा बागेश्वर में बड़े अंतर से क्यों नहीं जीत पाई, इस पर मंथन करना जरूरी है। इसके लिए संगठन की ओर से कमी रह गई या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का स्थानीय पकड़ ज्यादा मजबूत रही, इस बात का जवाब अभी भाजपा को तलाशना होगा, जिससे लोकसभा चुनाव तक उस पर सही तरह से काम हो सके। बागेश्वर उपचुनाव की जीत को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार के विकास नीति और स्वर्गीय रामदास के अमिट योगदान के प्रति श्रद्धांजलि बताया। साथ ही कहा कि कम मतदान के बावजूद पार्टी ने विगत चुनावों से अधिक वोट हासिल करने के साथ अधिकांश राउंड में आगे रहते हुए 61% बूथ पर बढ़त बनाई। भट्ट ने कहा, बागेश्वर उपचुनाव के अधिकांश आंकड़े भी हमारे पक्ष में रहे, फिर चुनाव के 32,211 के मुकाबले इस बार पार्टी ने ज्यादा मत 33,247 हासिल किए, जबकि लगभग 7% कम वोटिंग हुई। साथ ही पोस्टल बैलेट समेत कुल 15 राउंड में से 13 राउंड में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। इस तरह कुल 188 बूथ में से 115 यानी लगभग 61% पर बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई। बीजेपी अब मानकर चल रही है बागेश्वर में लगातार 5वीं जीत के साथ आगामी लोकसभा की सभी 5 सीटों और निकाय चुनावों में भी जीत का अनवरत अभियान यूं ही जारी रखने में कामयाब होगी, लेकिन बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी भी है। लोगों का रुझान मतदान में हिस्सा लेने में घट रहा है, साथ ही कांग्रेस का वोट भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सीएम धामी के लिए चुनौती तो होगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 में से 5 सीट दिलाने की।